हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा रेसिपी कुछ अलग है, कुछ यूनिक है। काफ़ी फ्रेंड्स इसके बारे में जानते भी नहीं हैं और काफ़ी फ्रेंड्स तो हमारी इस रेसिपी को घर पे बनाते होंगे, मुझे पता है। पर ये थोड़ा डिफिकल्ट रेसिपी होता होगा आप लोगों के लिए, घर पे बनाना काफ़ी मुश्किल लगता होगा, तो बहुत लोग उसे अवॉइड भी करते होंगे, बट ये खाने में काफ़ी टेस्टी होता है। तो मैं आज आप लोग के साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इजी प्रोसेस में आप इसे झटपट बना सकते हैं। आज का हमारा फेवरेट रेसिपी है अरबी के पत्ते का पकौड़ी, जिसे हम काफ़ी लोग रिकॉच के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, इस जो रिकॉच है ये पकौड़ी के जैसा टेस्ट आता है, बट काफ़ी क्रिस्पी होता है। क्रिस्पी कैसे होता है, इसमें क्या क्या यूज़ होता है और ये कैसे झटपट बन जाता है, इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का न्यू रेसिपी। बनाने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ लेंगे हम हाफ कटोरा चावल, इसे हम और यहाँ लेंगे 1/4 चने का दाल। ध्यान रखिए आप जितना चावल लें उसका हाफ चने का दाल लें। इन दोनों को अच्छे से भूलेंगे, जैसे कि देख सकते हैं फ्रेंड्स मैं अच्छे से भूल रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी और इसे आधे घंटे के लिए हाफ एंड आवर के लिए भून लें, हमारे दाल अच्छे से भून गए हैं। दाल और चावल देख सकते हैं अच्छे से भून चुका है। आपके पास टाइम होगा आप 1 आवर के लिए भी रख सकते हैं। अब इसका पानी निकाल लेंगे, अब इसके पानी हम अलग कर देंगे। मैं पानी इसका निकाल दूँ। अब मैं इसमें ऐड कर दूँ लहसुन, ये लगभग 12 से 15 यूज़ करेंगे। जैसे आपके पास केरी का अचार हो तो आप 2 केरी का अचार या इमली के पल्प 1 टेबल स्पून ऐड कर दीजिए इसमें।
अभी हम इसे यूज करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ हम एक कढ़ाई चढ़ा लिए हैं जिसमें मैं यूज कर रही हूँ यहाँ रिफाइंड ऑयल। आप कोई सा फूड ऑयल यूज कर सकते हैं। इसे मैं हीट होने को रखती हूँ। 3 से 4 मिनट में यह हमारा अच्छे से हीट हो जाएगा। अब हम इसे तलेंगे। फ्रेंड्स इसे तलने का 2 प्रोसेस है, मैं आप लोगों के साथ दोनों प्रोसेस शेयर करूंगी। पहला प्रोसेस हमारा ये है फ्रेंड्स कि हम इसे जो हमारा बैटर है उसमें हम इसे अच्छे से जो हमारा बैटर बचा था इसमें हम इसे ऐसे डालें और अच्छे से डीप कर लिए। और अब हम इसे ऐसे देख सकते हैं फ्रेंड्स एक साइड ये तल गया तो इसे आप ऐसे ऐसे वापस से पलट ले। दोनों साइड से इसे हमें अच्छे से तलना है। पलट के दोनों साइड से हम तल लेंगे अच्छे से। फ्रेंड्स अगर वीडियो हमारा अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर करें। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों तरफ से हमारा अच्छे से तल चुका है। कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये न्यू रेसिपी?
मुझे पता है काफी लोगों के देख के मुंह में पानी आ गया होगा, ये काफी टेस्टी होता ही है। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को आप लोग अपने घर पे जरूर बनाएं और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को टेस्ट कराएं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना ना भूलें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करिए वीडियो को, काफी यूनिक रेसिपी है। और फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं एक जगह आप लोगों को एक चीज बताना भूल गई थी, जो मैं वीडियो में बता रखी हूँ वापस से मैं आप लोगों को बताती हूँ। इस रेसिपी में फ्रेंड्स खट्टा यूज करना जरूरी है। आप इमली के पल्प या फिर वो केरी के जो अचार होते हैं वो जब हम मसाला पीस रहे थे चावल और दाल उसमें जीरा वगैरह, तो उसके साथ आप ये एक केरी का अचार या फिर थोड़े से हाफ 1 टेबल स्पून के आसपास इमली के जो पल्प होते हैं वो ऐड करके पीस ले। इससे खट्टेपन से क्या होता है, ये जो अरबी होता है वो थोड़ा इचिंग करता है, ये हमारे इचिंग का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है और टेस्ट भी अच्छा आता है खट्टे से। तो ये प्रोसेस को आप स्किप ना करें और अपने घर पर ट्राई करें। हाँ फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही न्यू इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।